स्वागत है मेरे चैनल डिजाइन इंडिया में। तो आज का मेरा टॉपिक है कोरलड्रॉ के बेसिक टूल के ऊपर। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो कोरलड्रॉ आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कई लोगों को लगता है कि यार कोरलड्रॉ में बेसिक टूल को सीख लेने से सब कुछ आ जाता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। बेसिक सीखने के बाद उसके आगे भी और सारी चीजें होती है, तो वो सारी चीजें भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये जो वीडियो है बेसिकली मैं बेसिक टूल के ऊपर बनाया है। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जिससे कि आपको बेसिक टूल की जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो बिना वक्त को बर्बाद किए मैं आपको आपका बेसिक क्लियर कर देता हूँ। आप देख रहे होंगे ये कोरलड्रॉ का इंटरफेस है। इसके लेफ्ट साइड में आपको इसके टूल्स दिख रहे होंगे, बट ये अभी डिजिबल है। ये इनेबल कब होंगे? जब हम इसमें एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। तो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू, और इसका शॉर्ट कमांड है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन कर दीजिए या आप यहीं से क्लिक कर देंगे न्यू पे, तो आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये डिटेल्स मांगा, आप यहाँ पे नेम भी फिल कर सकते हो या विदाउट नेम ऐसे भी रहने दे सकते हो। और यहाँ पे A4 ऑलरेडी कस्टमाइज हो रखा है, सिलेक्टेड, ठीक है। सारी चीज़ें सेट हैं, आपको कुछ नहीं करनी है, करना है बस ओके पर क्लिक कर देना है, आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ही डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा तो आप देखेंगे आपका जो लेफ्ट साइड में टूल्स हैं वो ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएंगे, जिसे आप यूज़ कर सकते हो। और पहला टूल जो है आपका दिख रहा है वो है पिक टूल। आप जैसे ही माउस कर्सर उस पर लेके जाएंगे तो वो वहाँ पे डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जो उसका नाम डिफाइंड करेगा। उसका नाम है पिक टूल। फर्स्ट टूल है हमारा पिक टूल, जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह को ले जा सकते हैं। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया है और ये मेरा पिक टूल सिलेक्ट है, तो मैं इससे सिलेक्शन कर सकता हूँ। ये एक तरीके का सिलेक्शन टूल है। मैं इस टूल से इसको मूव भी कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। सिलेक्शन टूल भी कहते हैं इसको एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वर्क होता है। अब नेक्स्ट टूल पे चलते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए, बहुत इम्पोर्टेंट है भाई टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट टूल है हमारा शेप टूल। इसका शॉर्ट कमांड है F10, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस पर क्लिक करते हैं। अब इस पर जैसे ही क्लिक करके आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो तो इसमें देखोगे कि इसके चारों तरफ 4 डॉट्स आ रहे हैं, एंकर पॉइंट। अब इस इनके एंकर पॉइंट को आप स्ट्रेच करेंगे जैसे ही, तो ये इसका क्या होगा, कॉर्नर राउंड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके कॉर्नर का, अब इसके कॉर्नर राउंड हो गया, इसके कॉर्नर का भी शेप चेंज कर सकते हो। आप ऊपर देखोगे इसमें 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। इस शेप टूल के ये 3 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपको इनसाइड राउंड हो जाएगा, ठीक है, फ्लैट हो जाएगा, ये 3 इसके ऑप्शन हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा शेप टूल का वर्क है। अब शेप टूल का एक और भी वर्क है, उसको मैं बताता हूँ अभी आपको उसका क्या ऐसा है। एक तो कमांड है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू जैसे ही करोगे तो इस ये क्या होगा, इसके डॉट्स हट जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर कंट्रोल क्यू नहीं करते, ये तो शॉर्ट कमांड है कंट्रोल क्यू, उसका अदर ऑप्शन यहाँ से है। आप पहले तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ से शेप टूल को सिलेक्ट कर लोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आओगे कन्वर्ट टू कर्व। इसका शॉर्ट कमांड है कंट्रोल क्यू। इस पर क्लिक करते ही आपका ये कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। फिर इसके बाद आप इसको शेप दे सकते हो। क्या करोगे, इनके ये दोनों कॉर्नर को सिलेक्ट कर लोगे ड्रैग करके, और यहाँ से इसको क्या कर दोगे, कन्वर्ट टू कर्व। ये ऊपर ऑप्शन आएगा आपका कन्वर्ट टू कर्व का, यहाँ पर क्लिक कीजिए और फिर देखिए कमाल। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे इसके एरोज आ जाएंगे। इस एरो को पकड़ के खींचोगे तो ये एक शेप आपको शेप देगा, कस्टमाइज तरीके से आप इसको शेप दे सकते हो जैसा आपको मन करता है।
यहाँ पे भी हम कर देते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट किया, फिर इधर भी इन दोनों को सिलेक्ट किया और कन्वर्ट टू कर्व, और इसको भी कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं, ये ऑलरेडी हो रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने कैसे इसको शेप दे दिया है बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से शेप टूल का वर्क है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। हमारा नेक्स्ट टूल है इरेजर टूल। अब देख सकते हो इरेजर टूल का वर्क क्या है, मैं बता देता हूँ। पहले तो मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ और इरेजर टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ। इरेजर टूल से तो आप समझ ही गए होंगे कि इरेज करना, मिटाना, ठीक है ना। तो बेसिकली काम इसका यही है, मैं इसको थोड़ा सा इसका सर्कल एरिया बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसको ड्रैग करूँगा इस पर, तो ये क्या करेगा, इरेज कर देगा अपने एरिया को जहाँ तक ये मूवमेंट करेगा। तो इसका बेसिकली वर्क ये है। अब इस टूल के अंदर भी कई सारे टूल है इसके, तो उसको मैं बाद में डिफाइन करूँगा, वन बाय वन इसका एक वीडियो बनाऊँगा प्रॉपर, जिससे कि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। अब मैं इसी में बता दूँगा तो वो क्लियरली आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। जितने भी इस टूल के अंदर इसके और टूल्स हैं, टूल्स के अंदर भी और टूल्स हैं, तो उसको उसका एक मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगा जिससे कि आपको उसका क्लियर हो जाए बेसिक। अब नेक्स्ट टूल पे चलते हैं, ये जूम टूल है, इससे आप इसको जूम कर सकते हो, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप जूम करके देखना चाहते हो जूम करके देख सकते हो। इसका शॉर्ट कमांड है जेड। अब जैसे ही माउस को ना इसके टूल्स के ऊपर ले जाके, कर्सर को ले जाके इस पर रखोगे, छोड़ दोगे एक सेकंड के लिए, तो ये आपको बता देगा कि इसका शॉर्ट कमांड क्या है। इसका शॉर्ट कमांड जेड है। ठीक है, इसका बेसिक इसका तो समझ में आ गया आपको जूम का। अब नेक्स्ट पे चलते हैं पैन टूल। ये पैन टूल से तो आप समझ ही गए होंगे पैन का क्या काम होता है, जो पैन का काम होता है वही इसका भी काम है। अब इसको आप क्या करोगे, लेफ्ट बटन को दबा के प्रेस करके करोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको करना क्या है, क्लिक करना है और एक जगह क्लिक करके दूसरी जगह पर क्लिक करना, तो ये आपको एक लाइन देगा। और ये कर्व जो है ये एक कर्व बनता जाएगा, लेकिन अगर आपको इसके कर्व को ख़त्म करना है तो ऑल्ट दबा के इसके इस कॉर्नर पे जो ये नोड दिखा रहा है आपको लिखा हुआ, जैसे लेके जाओगे तो नोड लिखा हुआ आएगा, इस पर क्लिक कर देना, ऑल्ट दबा के क्लिक करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा कर्व इसका, फिर ये स्ट्रेट हो जाएगा। फिर जैसे ही आप इसको पकड़ के क्लिक करके फिर स्ट्रेच करोगे तो वो कर्व हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा वो कर्व नेक्स्ट टाइम आएगा। उस कर्व को ख़त्म करने के लिए आपको ऑल्ट दबा के नोड पर क्लिक कर देना, वो कर्व ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इससे मैं एक आपको हार्ट शेप क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक ये बनाया, क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे रख के इसको स्ट्रेच करेंगे, जैसे कि सही तरीके से बनानी, सही तरीके बनाने का सही तरीका मैं आप बना कर बता के बताऊँगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में, और वो डिज़ाइनिंग जो होगी बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। तो ये मैं आपको सिर्फ बेसिक क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ कि पैन टूल का यूज़ क्या है और कैसे होता है। इस पैन टूल में भी कई इसके बेसिक टूल्स हैं जो आपको क्लियर करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका प्रॉपर एक वीडियो बना के डालूँगा, वो आपको बेसिक क्लियर करेगा। बस मैं आपको ये टूल्स को समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो इसके ऊपरी टूल्स हैं उसको क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा आर्टिस्टिक मीडिया। आर्टिस्टिक मीडिया में देखेंगे, हमने इस टूल को सिलेक्ट कर लिया, फिर जैसे ही हम इसको पे दिखा देता हूँ मैं, आर्टिस्टिक मीडिया में क्लिक किया और इसके अंदर ये हमारे ब्रश है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रश देख सकते हो, जैसे मैंने ये बनाया और ऐसे कर दिया। इससे हम कैलीग्राफी फॉन्ट्स रेडी करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कैलीग्राफी के बारे में, तो इससे कैलीग्राफी फॉन्ट्स बन जाते हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के डालूँगा कैलीग्राफी फॉन्ट इसमें इससे बनाते कैसे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर भी कई टूल्स हैं, अब देखोगे इसमें भी कई ऑप्शन है, ये ब्रश हो गया, फिर इसके नेक्स्ट वाले पर जाओगे
नेक्स्ट ब्रश पे जाओगे तो इस पर क्लिक किया हमने, जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें देखोगे ये इस तरीके के इसके ब्रश हैं, और ये इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे जो जो क्लिक करते जाओगे वो सारे आपको ऑप्शंस दिखते जाएंगे कौन से इसमें ब्रश हैं। ब्रश के सही कई सारे शेड दिए हुए हैं इसमें जो आप यूज़ कर सकते हो डिज़ाइनिंग के लिए, देख सकते हो इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको यूज़ करने के लिए ब्रश के, बहुत सारे ब्रश के ऑप्शंस हैं जिससे आप बहुत अच्छे डिज़ाइनिंग कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमारा हो गया ब्रश का, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये हमारा रेक्टेंगल टूल है, ये आप F6 प्रेस करेंगे तो ये आपका शॉर्ट कमांड है F6, जिससे प्रेस करते ही आपका ये रेक्टेंगल टूल आ जाएगा। रेक्टेंगल टूल, अगर आपको रेक्टेंगल टूल को बनाना मतलब रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके रेक्टेंगल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल को दबा के फिर आपको प्रेस ड्रैग करना है माउस से, तो ये आपका बिल्कुल ही स्ट्रेच मतलब बिल्कुल ही सही रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जो ये आपका रेक्टेंगल है बिल्कुल सही तरीके से बनेगा, ना ऊपर से छोटा ना राइट लेफ्ट से कहीं से भी छोटा नहीं बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सही तरीके से ये आपका रेक्टेंगल टूल रेक्टेंगल जो ऑब्जेक्ट है वो आपका बन जाएगा। अगर आप बिना कंट्रोल दबाए करते हैं तो देखोगे आपका ये जो है रेशो में नहीं बनेगा बिल्कुल भी, विदाउट बिना रेशो के बनेगा, ऊपर से छोटा नीचे से छोटा हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल दबा के फिर ड्रैग करते हैं तो बिल्कुल सही तरीके से ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। इसके अंदर भी कई हैं, इसके अंदर ये है पॉइंट रेक्टेंगल, अब इससे करेंगे तो इससे क्या होगा, ये स्ट्रेच क्लिक करके फिर ड्रैग करना तो ये आपका इस तरीके से यूज होगा, मतलब इसको किसी भी एंगल से जैसे इस एंगल से इस एंगल में किया तो ये ऐसे बन गया, इस एंगल में किया तो ऐसे हो गया, मतलब ये है ना आपको रोटेशन में बना के देगा आपको रेक्टेंगल जो ऑब्जेक्ट है वो डिग्रीज में बना के देगा, आप किस डिग्री में करना चाहते हो तो उस डिग्री में कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा इलिप्स टूल, F7 है इसका शॉर्ट कमांड, F7 से आप इलिप्स टूल को ला सकते हो। इलिप्स टूल का भी वही तरीका है बनाने का जो हमारा रेक्टेंगल टूल का था, तो मैं एक बार और आपको बता देता हूँ किस तरीके से, जैसे कि आप हमने ये ड्रैग किया क्लिक करके तो ये हमारा रेक्टेंगल आ गया, लेकिन ये जैसे कि हमने बिना कंट्रोल दबाए करते हैं तो ये इसका शेप बिगड़ जाता है। अगर आप कंट्रोल दबा के स्ट्रेच ड्रैग करेंगे तो ये रेशो में सर्कल बनेगा एक, तो सर्कल बनाने का सही तरीका है कंट्रोल को दबा के फिर आपको माउस से ड्रैग करना है तो प्रॉपर एक रेशो में आपका वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें है आपका ये जैसे आपका रेक्टेंगल में पॉइंट रेक्टेंगल था वैसे ही इसमें पॉइंट एप्स टूल है, सेम कमांड है दोनों का। नेक्स्ट में चलते हैं, ये है नेक्स्ट में चलते हैं फ्रेंड्स, तो ये है हमारा पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल को लाने के लिए आपको वाई प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड में, जैसे कीबोर्ड में वाई प्रेस करोगे आप तो ये आपका आ जाएगा शॉर्ट कमांड से। इसमें इसका भी सेम प्रोसेस सेम मेथड है जैसे हमारा रेक्टेंगल टूल का था, इलिप्स टूल का था, जैसे हमने सर्कल बनाया था रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट बनाया था, उसी तरीके से हमारा इसका सेम प्रोसेस है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इसमें भी कई सारे टूल है, देख सकते हो स्टार है हमारा, कॉम्प्लेक्स स्टार है और यहाँ स्प्रिंग है, और ये सारे बेसिक शेप्स इसमें आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ये सारे शेप है इसका तो आप डिज़ाइनिंग में कई जगह यूज़ कर सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके का इसमें ऑब्जेक्ट है जो आपको ग्राफिक आपके डिज़ाइनिंग के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल को लाने के लिए कीबोर्ड में आपको F8 प्रेस करना पड़ेगा, जैसे ही आप F8 प्रेस करोगे तो ये आपका टूल मिल जाएगा, और आपको इसको सिलेक्ट करके आपको क्लिक करना है, आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर एक ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा और वहाँ से आपको टाइपिंग करना स्टार्ट कर देना। जैसे ही आप कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करते हो, मैं जैसे कि मैंने लिख दिया डिज़ाइन इंडिया,
अब इसमें देखोगे ये आपने टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर रखा है, टेक्स्ट टूल से आपने टाइपिंग कर लिया, टाइपिंग करने के बाद आप इसको फॉन्ट दे सकते हो यहाँ से। इस वाले एरिया को भी मैं डिफाइन करूँगा, इसके लिए आपको आपको एक अलग से वीडियो बना के मैं बता दूँगा इस वाले एरिया का क्या 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 यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ होता है, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो ये जो हमारा है यहाँ से हम फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं इस टेक्स्ट का, टेक्स्ट का बेसिक क्लियर हो गया। मैं आपको टेक्स्ट के बाद दूसरे पे ले चलता हूँ। ये सारे जो टूल हैं इस टूल का मेन जो यूज़ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये यूज़ बहुत ही अलग तरीके से किया जाता है जो कि आपके बेसिक में नहीं आता। आपके बेसिक में ये सारे टूल आता है जो आपको रेगुलरली यूज़ करना पड़ता है, वो सारे ये टूल मैंने आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट टूल है ये कंट्रोल टूल। अब कंट्रोल टूल का क्या यूज़ है मैं बता देता हूँ कि कंट्रोल टूल लाने के लिए आपका इसमें शॉर्ट कमांड नहीं है, ये आपको विंडो में जाके डॉकर में जाके मिल जाएगा। वैसे तो बेसिकली यहाँ पे आपको मिलेगा ही किसी भी सॉफ्टवेयर में, सॉरी कोरल में हमेशा ही मिलता है यहाँ पर। तो आपको करना क्या है, ये सिलेक्ट करना है और कोई सा भी ऑब्जेक्ट या रेक्टेंगल टूल ले लीजिए और उस पर इसको ड्रैग कीजिए। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो आपको इसमें एक और बॉक्स टाइप मिल जाएगा बना हुआ। आप देख सकते हैं ऊपर और भी ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके अंदर और मिल गया, तीन चार बॉक्स और मिल जाएंगे। इसको क्लिक करोगे तो फिर इसमें ऑप्शंस, ये क्या करेगा, ये आपको बस उतने ही लिमिटेड ही बॉक्स बना के देगा। और सेंटर वाले में करोगे तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से और बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्वांटिटी 3 है तो यहाँ पे 10 कर देता हूँ और एंटर मारता हूँ, 10 करके एंटर करता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से इसको छोटा करना पड़ेगा, छोटा करके 10 लिख लिया यहाँ पर और देखिए आपके पास और बॉक्स आ गया। इसको और यहाँ पे श्रिंक कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए इसको स्पेक्ट 10, देख रहे फ्रेंड। इस तरीके से आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, बॉक्स की क्वांटिटी को। जैसे कि मैंने टू बॉक्सेस लिख देता हूँ, वीडियो 1 कर देता हूँ। अब देखोगे यहाँ पर 2 बॉक्स आ चुका है मेरे पास। और इसमें आप इसकी हाइट भी वैसे तो मैनुअली ऐसे आप मेंटेन कर सकते हो इसकी गैपिंग, और नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब आपके पास 2 बॉक्स है इसके अंदर, आप इसको अलग करना चाहते हो इस बॉक्स को, तो क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक कीजिए सेंटर वाले बॉक्स के अंदर और यहाँ पर दिखेगा आपको ब्रेक कंट्रोल ग्रुप ए पार्ट, इस पर क्लिक कर सकते हैं, या तो आपका शॉर्ट कमांड है कंट्रोल के। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों बॉक्स अलग अलग हो जाएंगे, तो आपको 2 बॉक्स मिल जाएगा, एक छोटा और एक बड़ा। आप चाहो तो इसके आउटर में भी बॉक्स बना सकते हो, जैसे आप इसको ड्रैग करोगे अंदर या बाहर की तरफ तो ये उसी साइड आपको बॉक्स एक क्रिएट करके दे देगा। और बीच का जो, अगर आपको बीच का गैपिंग आपके हिसाब से या आपके नंबर mm इंच के हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे जैसे mm है तो मैंने डाल दिया 10 mm, 10 mm जैसे ही डालूँगा तो यहाँ पे डिफाइंड हो जाएगा। या मैं 20 mm करके दिखाता हूँ आपको, 20 mm कर दिया, देखो 20 mm जैसे ही किया तो इसने क्या किया, अपना गैप बढ़ा दिया। इस तरीके से मैं एक बार और बता देता हूँ, इसको ग्रुप पर पार्ट करना पड़ता है अलग करने के लिए। जैसे ये है तो अगर आप बाहर कर रहे हो तो बाहर की तरफ आपको क्लिक करना पड़ेगा, या अंदर की तरफ कर रहे हो तो सेंटर अंदर की तरफ क्लिक करना पड़ेगा, तभी ग्रुप पर पार्ट आएगा, नहीं तो इसका शॉर्ट कमांड है आपका कंट्रोल के। ओके आई एम, मैंने कर दिया, ये हमारा अलग अलग हो गया कंट्रोल टूल का, ये है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास है ये ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी टूल का यूज़ किया है मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ। पहले तो हमें इसमें कलर फिल करना पड़ेगा, कलर फिल कर देता हूँ, राइट क्लिक किया कलर के ऊपर, ये कलर फिल हो गया। अब ये ट्रांसपेरेंसी टूल सिलेक्ट करता हूँ और ये ऑब्जेक्ट मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। अब देखो इसका क्या यूज़ है, इस पर क्लिक किया और मैंने ड्रैग कर दिया। जैसे ड्रैग किया तो उस जितने एरिया में ड्रैग किया उतना एरिया इसका ट्रांसपेरेंट हो गया है, क्लियर हो गया है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको श्रिंक करूँगा उतना उतना एरिया इसका
ट्रांसपेरेंट होते जाएगा, शेड में होगा, लेकिन वो पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, शेड शेड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा इसका, ठीक है, शेड में। तो इस तरीके से यूज़ है इसका। इसमें और भी ऑप्शंस हैं जो आप, जैसे कि रेडियल में है, ठीक है, और ये लीनियर में है, इस तरीके से इसका अलग अलग शेड है ट्रांसपेरेंसी टूल के। और इसमें और भी ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बाद में क्लियर करूँगा। ये तो मेरा बेसिक हो गया, ये तो आपका इस टूल का बेसिक हो गया। अब नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा ये कलर आई ड्रॉपर टूल। कलर आई ड्रॉपर टूल का यूज़ क्या है मैं दिखा देता हूँ। बेसिकली जैसे कि मैंने ये टूल सिलेक्ट किया और ये कलर मैंने यहाँ पे इसको टूल को पकड़ के मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, वहाँ का कलर ये एब्जॉर्ब करके और बताएगा। जैसे ही मैं किसी और ऑब्जेक्ट पर ले जाऊँगा तो वहाँ पर दिखाएगा कि ये कलर मैंने पिक कर रखा है। जैसे ही उस पर क्लिक करूँगा तो वो भी कलर फिल कर देगा, जहाँ से मैंने उठाया था वही कलर वो दूसरी जगह पर डाल देगा। ये तो इसका ये यूज़ है। जितने पर करना चाहता हूँ मैं उतने पर कर सकता हूँ। देखो जैसे कि मैंने मान लो मैंने इसमें ना रेड कलर फिल कर दिया और मैं इस टूल को यूज़ करना चाहता हूँ, तो इसको क्लिक किया, फिर यहाँ पे देखोगे कि ये ड्रॉप बन के आ रहा है। ड्रॉप को क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो ये कलर पिक कर लेगा और मैं दूसरी जगह जाऊँगा वहाँ पर फिल कर दूँगा। तो ये यूज़ है इसका, कलर ड्रॉपर टूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि कलर को ये उठा के ड्रॉप कर सकता है कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कलर आई ड्रॉपर टूल का यूज़ है। नेक्स्ट है हमारा इंटरेक्टिव फिल टूल। इसका शॉर्ट कमांड है जी। तो इंटरेक्टिव फिल टूल का यूज़ क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये है हमारा ऑब्जेक्ट, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे देखोगे रेड है और यहाँ पे देखोगे वाइट है। तो मैंने इसको कलर दे देता हूँ जैसे ग्रीन। तो यहाँ से आप इसका टू शेड कलर बना सकते हो, टू शेड या थ्री शेड कलर बना सकते हो। जैसे मैं आप बीच में डबल क्लिक करूँगा तो ये इसका एक और पॉइंट बन जाएगा। डबल क्लिक करते ही इसके यहाँ लाइन पे डबल क्लिक करते ही एक और पॉइंट बन जाएगा और वहाँ पर दूसरा कलर फिल कर सकता हूँ मैं, देख सकते हो। तो इसका ये यूज है। इसका बहुत आसानी तरीके से आप अलग अलग एक रेनबो टाइप बना सकते हो और आप अपने हिसाब से मन चाहे कलर दे सकते हो। इसमें ऊपर आपको मिल जाएगा वही इलिप्स, आपको मिल जाएगा रेडियल, फाउंटेन, अलग अलग तरीके से आप इसको कलर इफेक्ट दे सकते हो। इंटरेक्टिव फिल टूल का ये यूज़ है। नीचे आ गया ये आपका स्मार्ट फिल टूल। अब स्मार्ट फिल टूल का मैं यूज़ बता देता हूँ क्या है। स्मार्ट फिल टूल क्या वर्क करता है, जैसे कि मैंने ये ऑब्जेक्ट बना लिया और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मान लो जैसे कि मैंने ना एक स्टार बनाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे मैंने ये स्टार बनाया और स्टार के इसके कॉर्नर को मैं बढ़ा देता हूँ, ये सारी चीज़ें भी मैं सिखाऊंगा आपको। आप देख रहे हो ना बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे कि मैं इसका कॉर्नर कम ज़्यादा कर रहा हूँ, इसके और भी शेप बना सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बहुत बाद में अगली वीडियो में बताऊँगा, बहुत ही अच्छी तरीके से इसका यूज़ होता है। तो क्या करूँगा, पहले मैं इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लूँगा। अब स्मार्ट फिल टूल को मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, जो इस वाले एरिए पर है इस पर क्लिक करूँगा, तो ये क्या करेगा, इतने एरिए का एक और मेरे को फिल क्रिएट करके दे देगा। तो मुझे एक इस तरीके का शेप मिल जाएगा, देख सकते हो। मैं इसमें इतने एरिया में कलर फिल होगा, बस इतने एरिया का ऑब्जेक्ट बन गया मेरे पास। एक मतलब एक मान लो मेरे पास ये एक रंगोली टाइप या रंगोली टाइप का डिज़ाइन मिल गया मेरे को, देख दो। बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस स्मार्ट फिल टूल को यूज़ कर सकते हो। स्मार्ट फिल टूल का बहुत अच्छा यूज़ है, आपको ग्राफिक डिज़ाइन करने में बहुत मदद करता है और बहुत सारी जगहों पर यूज़ भी आता है ये। तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो ग्राफिक डिज़ाइन बनाने में। और जितने भी ग्राफिक डिज़ाइन के वीडियोस मैं डालूँगा उसमें आप देखोगे बेसिकली इसका यूज़ मैं करके दिखाऊँगा आपको। और भी काफ़ी सारे टूल है जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊँ क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और मैं अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा वो
सारे एक टूल को क्लियर करके बताऊंगा। जैसे मैंने बताया था आपको जो जो टूल में उसके अंदर काफ़ी सारे टूल है, तो उसके टूल को मैं क्लियर करूंगा कि उसमें और कैसे कैसे उसको बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बेसिक टूल को क्लियर कर दिया है, तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको चैनल के नीचे रेड कलर का बटन दिखेगा, उसको बस दबाना है आपको।